इस समय हम बॉटनिकल गार्डन में हैं, गोल्डन साइप्रस फोनिक्स पाम। विभिन्न प्रजाति के आपको फूल दिखेंगे यहाँ पे। ये देखिए पंचुतिया, ये इसके लाल रंग की पत्तियाँ बहुत खूबसूरत लगती हैं, हमने घर पर भी लगाया है इसे। और एक नज़र मैग्नोलिया, यह देखिए कैरा लिली, लिली बहुत सुंदर पीले रंग के इसमें फूल आएंगे। वन विभाग के अंतर्गत है ये, उसके तत्वावधान में कार्य करता है। 50 रुपये यहाँ एंट्री फीस है और बृहस्पतिवार को बंद रहेगा। थुनेर, फुसिया, गुलदावरी, ये देखिए कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। कृपया सांभर डियर को न छुएं लिखा हुआ है, इसे नहीं छुएंगे हम। ये यहाँ पे देख सकते हैं प्रिटोनिया, प्रिटोनिया अफ्रीकन डेजी, काफ़ी सारे टूरिस्ट भी इसमें यहाँ पर हैं। अफ्रीकन डेजी जो लिखा है, साधारणतः हम इसे गजेनिया नाम से जानते हैं। देखिए इसमें कौन कौन से हैं कलर, ये कलर, ये कलर हमारे पास भी हैं। रात की रानी और ये डॉग फ्लावर, ये रात की रानी है। ये आड़ू का पेड़ है, वसंत में इसमें फूल आएंगे बहुत सुंदर, और फिर आएंगे इस छोटे से पेड़ में आड़ू आएंगे। लैवेंडर और ये डेंथस है, पुदीना, ये देखिए एक सुंदर सी हट बनी है सामने। टिकोमारिया, मोरपंखी, और उसी रूट में हम आगे चल रहे हैं। मीठा दहिया, गोल्डन रोड, शहतूत भी मिलेगा, स्पैरिया मिलेगा, किलमोड़ा, इसकी जड़ की बनती है दवा, तस्करी भी होती है इसकी किलमोड़ा की जड़ की पहाड़ों में। देवदार, सिट्रस ड्योडारा, चंबुल, गिवई, मकोई, वन मेथी, कासनी, लेमन ग्रास, कपासी, घनिया, वन अजवाइन, ये मेडिसिन हर्बल गार्डन है। कड़ी पत्ता, सालम मिश्री, पनिया, वन तुलसी, सफ़ेद मूसली, समेवा, सिलकोड़ा, मैदा, रोज़मेरी, रोज़मेरी बढ़िया है, दूना, बांज, आओ बिच्छू, सतावर, बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत वैरायटी है यहाँ पे। ममीरा, और बॉटनी के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। फर्नरी, ऑर्किडियम, ऑर्किडीरियम, ये देखिए अंदर कितना खूबसूरत फर्न है, पूरे चारों तरफ ये फर्न गार्डन है। ये देखिए फर्न ही फर्न, वाह, देख सकते हो आप व्यू इसका अंदर का। बॉटनी के स्टूडेंट समझ पा रहे होंगे, ये देखिए ये फर्न 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 चारों तरफ, ये देखिए ज़बरदस्त, ये देखिए ये, और ये इसका रास्ता,
वो ऊपर कैमल्स बैक की पहाड़ी दिख रही है, उसका बैक साइड। ज़बरदस्त वनस्पति है, वनस्पति विज्ञान के विद्यार्थी बहुत अच्छा लगेगा उनको यहाँ पर आकर। इस समय पर्यटक भी सबसे ज़्यादा इसी स्थान की ओर आकर्षित हो रहे हैं। बॉटनिकल गार्डन नैनीताल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, खुरपाताल लेक से पहले। फिर से एक बार पथरीले रास्ते पर चल रहे हैं, पाती का पौधा मिला है यहाँ पर, फिर कनेर, मर्सिन। और एक व्यू दिखाते हैं नीचे का, देखो ये पहाड़ियाँ। बॉटनिकल गार्डन में थोड़ा सा रास्ता भटक गए थे, अब इस कमल के तालाब के पास आ गए हैं। लोटस पॉन्ड बना हुआ है छोटा सा, और ये देखिए वॉन्डरिंग जू। भरत सर, ये जो पॉइंट पे आए हैं हम बॉटनिकल गार्डन वाला, ये आपको कैसा लगा? मतलब रेटिंग देना चाहेंगे तो अब तक जो घूमे हैं उसमें, मतलब ये बेटर है उनसे? हाँ, काफ़ी अच्छी जगह, काफ़ी शांत जगह है, और डेफिनेटली 4 out of 5 तो डिजर्व करती है जगह। अभी थोड़ा सर्दी है इसलिए पेड़ थोड़ा सा काफ़ी, हाँ पेड़ मतलब इस टाइम पे होता है, हमें पाले में मरना शुरू हो गया थोड़े थोड़े, लेकिन बहुत ही अच्छी जगह है। वैरायटी ऑफ जो प्लांट्स है वो बहुत है, काफ़ी वेरिड है, और इट वाज वंडरफुल। हवा भी चल रही है बढ़िया, हाँ व्यू भी अच्छी, ठंडी हवा चल रही है, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से, फ्रंट में लेक भी नज़र आ रहा है। फ्रंट वाला दिखाते हैं, ये भी नज़र आ रहा है, एक पॉन्ड बनाया है यहाँ पे, और एक लेक नज़र आ रही है, उसका नाम सरिता ताल है। सरिता ताल, हाँ वैसे उसे सड़िया ताल नाम से जानते थे, लेकिन अभी सरिता ताल उसका नाम रख दिया है। वो भी डेवलप की गई है, तो वैसे थी नेचुरल पानी उसका। अगर आप गर्मियों में आते हैं तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि इतनी चढ़ने के बाद आपको एक ठंडी हवा के झोंके मिलेंगे, तो वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा सभी के लिए। अभी हमने वहाँ जाना है, वो एरिया देख रहे हैं ना, वो अच्छा, चार वो, खेत, हाँ वो काफ़ी एडवेंचर वाला, वहीं हाँ वहीं जाना है अभी हमें इसके बाद। ठीक ठीक ठीक, और यहाँ से कैमल्स व्यू का पॉइंट भी बहुत अच्छा, कैमल्स बैक, हाँ कैमल्स बैक का बैक साइड वाला ही एरिया है, हाँ फ्रंट काफ़ी अच्छा है, हाँ बहुत सुंदर दिखता है ये भी। ये कैक्टस का है पूरा, यहाँ पर सारे कैक्टस हैं, कैक्टस की एक एक प्रजाति आपको मिल जाएगी यहाँ पे। ये जेड प्लांट है, ये देखिए ज़बरदस्त कैक्टस हैं, सबसे ज़्यादा भीड़ इसी एरिया के अंदर, बहुत सुंदर। ये देखिए इंसेक्ट म्यूजियम। ये इंसेक्ट्स भी प्रकृति से कितने रंग लेते हैं, पत्तों के बीच में छुपने के लिए पत्तों के जैसे रंग,
और इनकी सिमेट्री भी देखिए कितनी शानदार है। ये रंग इन्हें प्रकृति से ही मिलते हैं। ये देखिए पत्तों की दुनिया, इंसेक्ट्स, और ये इंसेक्ट म्यूजियम। Thank you.